हमेशा खुश रखें। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो का सीज़न है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डिमांड है कि प्लीज़ मैंगो का कुछ हो। तो मैंगो आइसक्रीम बहुत इजी है, बहुत इजी से ये रेसिपी है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेट्स बी स्टार्ट। पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप है उसमें ये है कि मैंने 1 कप लिया है फ्रेश मिल्क, जिसके अंदर मैंने डाल दिया 4 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड। और यहाँ पर मैं कस्टर्ड प्रिपेयर कर रही हूँ, एज यू कैन सी इन द वीडियो। एज यू कैन सी आवर कस्टर्ड इज प्रिपेयर्ड और ये थिक हो चुका है। मैंने ले लिया है 1 पैक ऑफ ऑलपर्स क्रीम 200 ml का, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक जो है आपने इसको मिक्स कर लें। देखिए क्रीम को मैंने 10 मिनट्स तक मिक्स कर लिया, और अब आप इसको ऐड कर दें कस्टर्ड के अंदर, और आप इसको इसके अंदर कस्टर्ड के अंदर आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। फुल डिजॉल्व होना चाहिए ये, एज यू कैन सी इन द वीडियो। और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है चंक्स 1/2 कप, और यहाँ पर मैंने ले ली है मैंगो प्यूरी, जिसके अंदर मैंने जो है 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दी थी चीनी, और इसको मैंने अच्छे से जो है ग्राइंड कर लिया था, ये देख सकते हैं आप। और ये 1/2 कप है। अब आपने इनको इसके अंदर मिक्स कर देना है। पहले आप डाल देंगे प्यूरी, ये देखेंगे प्यूरी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और आप ले लें एक आइसक्रीम बॉल, जिसके अंदर आप डाल दें ये सारी प्यूरी जो कि हमने प्रिपेयर की है इसके अंदर आइसक्रीम बॉल में। अब आप इसमें ऐड कर दें ये चंक्स और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। तो है आप इस बॉल को फॉइल पेपर से कवर कर लें, इस तरह से जो है आपने फॉइल पेपर से इस बॉल को कवर कर देना है। एक और बात कि आप मैंगो जो है वो किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। मैंने जो लिया था वो मैंने लार्ज मैंगो लिया था, और आप जो है कोई भी मैंगो ले सकते हैं, जो भी मैंगो आपको लाइक हो। मैंगोज की भी तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। और इस तरह से अब जो है आप इसको फॉइल पेपर से कवर कर लें, वो इसलिए करते हैं ताकि ये जो है इसकी जो हवा है वो इसके अंदर ना जाए और ये अच्छे से कवर्ड हो जाए। आप चाहें तो आप प्लास्टिक रैप से भी कवर कर सकते हैं। और अब जो है हम इसको कवर करके फ्रीजर में रख देंगे 1 डे के लिए। फाइनली कम्प्लीटली आफ्टर द रेस्ट ऑफ 1 डे आवर आइसक्रीम इज फुली प्रिपेयर्ड, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और आप दूसरा ले लें। सो आइसक्रीम हमने सारी निकाल ली है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत मज़े की बहुत यम्मी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।